हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्षों में असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न दो, ईमेल की खोज करता है बीए शिवा अय्या दुरई। प्रश्न तीन, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है, उत्प्लावन बल। प्रश्न चार, संवेद ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में। प्रश्न पाँच, परमाणु में उदासीन कण है न्यूट्रॉन। प्रश्न छः, पेसमेकर से संबंधित अंग है हृदय। प्रश्न सात, बाईफोकल लेंस के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रश्न आठ, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रश्न नौ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए। प्रश्न दस, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रश्न ग्यारह, पानी में नमक मिलाने पर पानी का हिमांक घट जाएगा। प्रश्न बारह, लेंस किससे बनता है, फ्लिट कांच से। प्रश्न तेरह, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है एसिटिलीन गैस। प्रश्न चौदह, इकोटोन का अर्थ होता है दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। प्रश्न पंद्रह, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। प्रश्न सोलह, गैसोलीन इंजन के अस्तित्व में लाया निकोलस अगस्त ऑटो ने। प्रश्न सत्रह, कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। प्रश्न 18, CMOS का विस्तार है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। प्रश्न 19, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है, 33। प्रश्न 20, DVD का विस्तार है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। प्रश्न 21, मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। प्रश्न 22, मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 23, हर्पेटोलॉजी है छिपकलियों का अध्ययन। प्रश्न 24, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सीरा वेन में। प्रश्न 25, सेरोलॉजी संबंधित है सीरम में एंटीबायोटिक से। प्रश्न 26, किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्जोलेट। प्रश्न 27, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज की माइकल फेराडे ने। प्रश्न 28, नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, वक्र से संबंधित रोगों का अध्ययन। प्रश्न 29, जियोट्रोपिजन है गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि। प्रश्न 30, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, परावर्तन। प्रश्न 31, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 32, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। प्रश्न 33, GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। प्रश्न 34, DNA का विस्तार है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न 35, रैम का विस्तार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 36, एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन। प्रश्न 37, पपीता का पीला रंग होने का कारण है फ्लेवोनोइड्स। प्रश्न 38, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है, 6। प्रश्न 39, किस कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम देने के लिए। प्रश्न 40, मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 41, पीच प्लेट संबंधित है यूरेनियम का एक अयस्क है। प्रश्न 42, 1024 GB बराबर
है 1 टेराबाइट। प्रश्न 43, परमाणु संख्या होती है परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न 44, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से। प्रश्न 45, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर। प्रश्न 46, जड़त्व का नियम दिया गया न्यूटन द्वारा। प्रश्न 47, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रश्न 48, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर पर घंटा में है 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 49, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रश्न 50, मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में। प्रश्न 51, पीला ज्वर होता है एडिस मच्छर के काटने से। प्रश्न 52, जनरेटर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। प्रश्न 53, लेप्रेसी कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है हैंसेन बीमारी। प्रश्न 54, पेस्ट चिपकाने के लिए एमएस वर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+V। प्रश्न 55, ड्रॉप प्लेनेट का आता है प्लूटो को। प्रश्न 56, चिकन पॉक्स के टीका का नाम है वेरिसेला। प्रश्न 57, पोलियो के टीका की खोज की अल्बर्ट साबिन ने। प्रश्न 58, एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की चेचक का टीका। प्रश्न 59, सबसे तेज मेमोरी है केचे मेमोरी। प्रश्न 60, लोवा का शुद्ध रूप क्या है पिटवा लोवा। प्रश्न 61, स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड सा। प्रश्न 62, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया आइंस्टीन ने। प्रश्न 63, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। प्रश्न 64, मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से। प्रश्न 65, जल एक यौगिक है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का। प्रश्न 66, ओजोन परत पाई जाती है ओजोन मंडल में। प्रश्न 67, डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी रोग के लिए। प्रश्न 68, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। प्रश्न 69, सोनार किसका विस्तार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न 70, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। प्रश्न 71, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। प्रश्न 72, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक और उल्टा। प्रश्न 73, किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कम हो जाएगा। प्रश्न 74, ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं परावर्तन। प्रश्न 75, होमोसेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। प्रश्न 76, किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है मानव लाल रक्त कोशिका में। प्रश्न 77, आवर्त सारणी की रचना की है दामित्री मेंडलिप ने। प्रश्न 78, सूक्ष्मजीव और पर्यावरण के बीच में संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। प्रश्न 79, एक्सरे की खोज की रॉयंट जैन ने। प्रश्न 80, बिना उपग्रह वाले ग्रह है बुध और शुक्र ग्रह। प्रश्न 81, दूरी के साथ साथ परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। प्रश्न 82, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है मीथेन। प्रश्न 83, मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है 203 मिलीमीटर। प्रश्न 84, रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के। प्रश्न 85, के ओ एच का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 86, मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। प्रश्न 87, पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। प्रश्न 88, जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है पारिस्थितिकी। प्रश्न 89, वह स्थिति जिसे मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है हाइपोथर्मिया।
प्रश्न 90 विट्टी कल्चर का संबंध किससे अंगूर की खेती से। प्रश्न 91 सॉल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। प्रश्न 92 एड्स का अर्थ एक्यूट इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न 93 रोवा नामक बीमारी संबंधित है आँख से। प्रश्न 94 टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है लॉगजा। प्रश्न 95 दूध में कौन सा प्रोटीन होता है रेनिन। प्रश्न 96 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न 97 ग्रेफाइट अपरूप है कार्बन का। प्रश्न 98 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न 99 रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। प्रश्न 100 त्वचा की भारी परत को क्या कहा जाता है एपिडर्मिस। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।